मंडवे की रोटी घी के संग और चाय की प्याली आती है, दिन भर के लिए बदन में स्फूर्ति उमंग ताकत भर जाती है। तो आज आप देखेंगे उत्तराखंड में मंडवे को कैसे निकाला जाता है और मंडवे से क्या क्या आपको फायदे मिल सकते हैं, बने रहें वीडियो में। उत्तराखंड के प्रमुख अनाजों में से मंडवे का एक विशेष स्थान है। इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है, हिंदी में इसे रागी कहते हैं। मंडवे में पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि उत्तराखंड के पहाड़ी लोग इतने ऊर्जावान होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयरन, विटामिन डी, फास्फोरस, फाइबर भी पाया जाता है। फाइबर होने के कारण यह जल्दी पच जाता है। वर्तमान में मंडवे से चॉकलेट, बिस्किट और पेय पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मंडवे के आटे को उबलते पानी में पकाने से बने भोजन को हम उत्तराखंड के लोग बाड़ी कहते हैं। इसे दाल के साथ मिलाकर भी खाते हैं। पुराने लोग अभी भी इस प्रकार मंडवे के आटे से बाड़ी बनाकर बड़े चाव से खाते हैं। मंडवे के इन्हीं गुणों के कारण अब लोग इसका सेवन काफी मात्रा में करने लग गए हैं। मंडवे का आटा अब उत्तराखंड से निकलकर शहरों में भी अपनी धाक जमाने लग गया है। और सबसे शानदार बात यह है कि उत्तराखंड का मंडवा सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा पैदा किया जाता है। इतनी नायाब खासियतें हैं उत्तराखंड के इस मंडवे में और इससे बने भोजन में, इससे बने उत्पादों में। उत्तराखंड का मंडवा सबसे शानदार और फेमस है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के फर्टिलाइजर नहीं मिलाए जाते। रागी के फायदे, रागी में फायदे ही फायदे छुपे हैं। रागी को लेकर आयुर्वेद में बहुत सी फायदे की बातें प्रचलित हैं। रागी, जिसे हम मंडवा भी कहते हैं, इसके सेवन से ज़्यादा प्यास नहीं लगती। इससे आप अपने शरीर की कमजोरी भी दूर कर सकते हैं। अगर आपके सीने में बलगम जमा है तो आप रागी के इस्तेमाल से छुटकारा पा सकते हैं। रागी के उपयोग से आपकी यूरिन डिजीज और शरीर की गंदगी भी साफ हो सकती है। यही नहीं, बल्कि अगर आपके शरीर में जलन, स्किन डिसऑर्डर, किडनी और पथरी की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप रागी का इस्तेमाल अवश्य करें। तो रागी के फायदे, कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर, डायबिटीज में ये रामबाण इलाज है शुगर पेशेंट के लिए, उनको तो जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और करते भी हैं लोग। और डाइजेशन में ये सहायता करता है, ग्लूटेन से मुक्त है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और एक बेहतर विनिंग भोजन है। रागी में हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट मौजूद है, जिसके कारण रागी को एक उत्कृष्ट शिशु आहार माना गया है। आप यह कह सकते हैं कि शिशुओं को सबसे पहले खिलाया जाने वाला अनाज है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कैंसर रोकने के लिए सहायता करता है। इसके साथ आपका यह जानना भी जरूरी है कि रागी को कब नहीं खाना चाहिए। थायराइड, किडनी में स्टोन या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी अन्य समस्या है तो रागी का सेवन ना करें, क्योंकि रागी के आटे में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो नुकसान पहुंचा सकता है। जिनको पहले से ही नुकसान हो रखा है उनको ये नहीं खाना चाहिए। बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं रागी के बारे में, आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो कैसी लगी जानकारी आपको, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।